ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, अपने अंदर से 100 एम्पेयर तक लोड गुजार सकता है, 100 एम्पेयर से ज़्यादा होने पर 105 एम्पेयर यह ट्रिप कर जाए ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। ये मैनुअली ट्रिप का बटन है, यहाँ से इसे मैनुअली आप ट्रिप करवा सकते हैं। और ये इसके 3 फेज इनपुट सप्लाई और ये 3 फेज आउटपुट सप्लाई के पॉइंट हैं। ये देखें, हम इसे मैनुअली ट्रिप करवा के दिखाते हैं आपको। ये ट्रिप कर गए, अभी इसको हमने रीसेट करना है। ऑन पोजीशन पर रीसेट नहीं होता, ये ऑफ पोजीशन पर रीसेट होता है। ये देखें, अभी हम इसे ऑन पोजीशन, ये रीसेट नहीं हो रहा। अब ये देखें, ऑफ पोजीशन पर रीसेट होगा, फिर दोबारा इसे ऑन ऑफ कर सकते। अब इसको ब्रेकर को ओपन करते हैं, यहाँ से इसे खोलते हैं। ये देखें फ्रेंड, हमने इसको ओपन कर लिया ब्रेकर को। अब आपको अंदर की वर्किंग दिखाएंगे। ये देखें, ऑफ किया है। ये मूविंग लीवर है, इसके जरिए सप्लाई इनपुट से आउटपुट पर आती है, इनपुट से आउटपुट पर। ये फिक्स पॉइंट पर जाके लगता है जहाँ से सप्लाई इनपुट से आउटपुट पर आती है। ये देखें, ये ऑन करेंगे, मूविंग लीवर साथ ही फिक्स पॉइंट पर जुड़ जाता है। ये देखें, ये मैनुअल ट्रिप करके अभी आपको दिखाऊंगा। ये ट्रिप कर गया दोबारा से, अब इसे दोबारा से रीसेट करेंगे, इसे ऑन करके, वो देखें दोबारा साथ। ये फ्रेंड, ये आर्क चैम्बर है, जिसका काम होता है जब ब्रेकर को ऑन किया जाता है तो मूविंग और फिक्स पॉइंट में जो आग का शोला पैदा होता है इसको ख़त्म करना होता है। ये 3 फेज है, तीनों पे ये होगा पथरी नुमा मुख्तलिफ पॉइंट, इनमें आग का शोला ख़त्म हो जाता है। ये देखें, तो ये देखना, अभी हम ऑन करेंगे। जैसे ये ऑन होता है साथ ही फिक्स पॉइंट पर जा लगते हैं पॉइंट, यहाँ आग का शोला पैदा होता है। ये देखें, काफ़ी पीछे को हट जाता है ये मूविंग लीवर जो है, इसलिए ये ऑन नहीं होता दोबारा से। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये